तो गाइस इस वीडियो के पार्ट वन में देखा कि मैं फंसा था वन चेस्ट वर्ल्ड में, जहां एक चेस्ट में से मुझे ढेर सारी डेली न्यू आइटम्स मिल रही थी और उसकी मदद से मैंने 50 डेज के अंदर ही वन चेस्ट से पूरा मैसिव बेस बना दिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, फिर आके ये वाली देखना। तो इस बार पार्ट टू में भी मैं करूंगा सर्वाइव पूरे 50 डेज के लिए, जिसमें मैं बनाने वाला हूं बहुत ही ओपी वाली नेदर पोर्टल की डिजाइन, एंड पोर्टल की डिजाइन, और उसी के साथ मैं बनाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया वाला खुद का घर। और इतना ही नहीं, हम एंड में जाके ड्रैगन को भी मारने वाला है और कंप्लीट करने वाला है इस वर्ल्ड में पूरे 100 डेज। तो 50 डेज के अंदर ही ये सारी चीजें मैं कैसे करता हूं वो देखने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो गाइस आज है डे 51। यार पता नहीं ये गेम क्या नशे करती है, क्या जिसने डे 51 को डे 1 बता दिया। अब इसको कौन समझाए कि एक दिन में कोई इतना सारा प्रोग्रेशन नहीं कर सकता। लेकिन कोई ना गाइस, हमने यहाँ पे गेम जैसे नशे नहीं कर रखे, तो हम सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि डे 1 है हमारा डे 51, इसी तरह डे 11 होगा हमारा डे 61, और ऐसे करते करते इन गेम डे 50 हो जाएगा हमारा डे 100। अब अगर इतना सिंपल कैलकुलेशन भी आपको समझ नहीं आया तो मैं समझ लूंगा कि आपने भी माइनक्राफ्ट के जैसे ही सस्ते नशे कर रखे है। तो एनीवेज गाइस, डे 51 पे मैंने चेस्ट ओपन करके देखी तो मुझे बस एक एंड पोर्टल का पीस मिला था, उसके अलावा बाकी का सामान बस टट्टी था। तो फटाफट से मैंने सारा सामान कलेक्ट किया और बाजू वाली चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब टाइम था कुछ बिल्ड करने का। वैसे देखा जाए तो गाइस मैंने ऑलमोस्ट सारी जरूरत की चीज तो बिल्ड करके रखी है, लेकिन अभी तक हमने नेदर में प्रवेश नहीं किया है और उसके लिए मैंने अभी तक मेरे वर्ल्ड में नेदर पोर्टल भी नहीं बनाया। लेकिन गाइस अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस बार भी वो नॉर्मल वाला नेदर पोर्टल बनाऊंगा तो आप टोटली गलत हो, क्योंकि इस बार ना मैं बहुत ही ओपी डिजाइन वाला एक नेदर पोर्टल बनाने वाला हूं। तो फटाफट से जाके मैं उसके लिए सारे कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक प्लेटफॉर्म। जी हाँ गाइस, आपको मालूम ही है कि कोई भी बिल्ड बनाओ उससे पहले मुझे यहाँ पे उसके बिल्ड बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। तो इसीलिए इस बार मैं यहाँ पे पोर्टल के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, जो कि बिल्कुल हमारे फ्रॉग भैया के घर के बाजू में है। तो प्लेटफॉर्म हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो फाइनली टाइम हो चुका है हमारे पोर्टल बनाने का। तो गाइस पोर्टल हमारा बनके रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रहा है। वैसे सच बताऊं तो दूर से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन जब हम इसे पास जाएंगे और हम इसे एक्टिव करेंगे उसके बाद तो दूर दूर से हमको नजर आएगा कि ये हमारा नेदर पोर्टल है। तो बिना कोई देरी के फटाफट से मैं जाके अपना लाइटर लेके आ गया, मेरा मतलब फ्लिंट एंड स्टील, और इस पोर्टल को हमने एक्टिवेट कर दिया। तो चलो फटाफट से हम जाके देखते हैं कि हमारा जो स्पॉन है नेदर को कैसा है और हमें आजू बाजू में क्या क्या देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं नेदर में प्रवेश किया और मैंने अपनी मुंडी घुमा के देखा तो मेरे बिल्कुल सामने के सामने ही पूरा फोर्ट्रेस था। लिटरली मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतना भी लकी हो सकता हूँ कि मुझे मेरा पूरा पोर्टल का स्पॉन फोर्ट्रेस के ऊपर मिले। सीरियसली देने वाला जब भी देता है तो सब कुछ फाड़ के देता है। तो ऐसी अनोखी चीज तो गाइस मेरी लाइफ में आज पहली बार हुई है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पोर्टल के बिल्कुल ही नीचे फोर्ट्रेस हो? अगर हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। तो एनीवेज गाइस, अब दिक्कत यहाँ पे ये आ चुकी है कि भाई इतना लक तो इतना लेजिट हुआ है, लेकिन इस लक का मुझे कुछ काम नहीं, क्योंकि भाई अगर मुझे पूछो कि मुझे यहाँ से क्या लेना है तो मुझे यहाँ पे घंटा कुछ नहीं लेना। मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारे आयो फेंडर, ढेर सारे एंड्रोड और सब कुछ है मेरे पास, लेकिन यार क्या ही करे, इतना लक अच्छा था पर हम इस फोर्ट्रेस को कुछ करने नहीं वाले। तो चलो यार फटाफट से हम फिर से हमारे बेस पे जाते हैं और उसके बाद हम अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गाइस कोई ना, हम अपने बेस पे वापस आ चुके थे और ये था हमारा नेदर पोर्टल का डिजाइन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रेट कीजिए 10 में से और बताइए कि आपको कितना पसंद आया है। तो एनीवेज यहाँ पे ऑलरेडी सम हो चुकी थी और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अभी तक चेस्ट ओपन करके ही नहीं देखी कि मुझे क्या क्या मिल रहा था। तो एनीवेज मैंने फटाफट से चेस्ट ओपन करके देखी तो मुझे एज यूजुअल टट्टी मिल रहा था, इसीलिए मैं अब चेस्ट में कुछ खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो भी मुझे चीजें चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे यहाँ पे एक चीज की कमी है, वो एंड पोर्टल के पीसेस। मुझे यहाँ पे 12 जितने पीसेस करने हैं जो कि भाई मुझे अभी तक नहीं मिले। अगर वो मुझे मिल जाए तो हम हमारे एंड पोर्टल को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने सारी लूट को इग्नोर किया और फिर मैं चला गया सोने के लिए। तो गाइस आज हो चुका है डे 61। अगर मैं पिछले 2-3 दिनों की बात करूं तो मैंने एक बस इन्वेंटरी सॉर्टिंग करी थी और इसी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए सामान कलेक्ट किया था। लेकिन एनीवेज डे 61 की चेस्ट मैंने ओपन करके देखी तो उसमें से मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ डायमंड मिला था। इस ब्लॉक में से मुझे यहाँ पे टोटल 9 जितने डायमंड्स मिलेंगे, जो कि मेरे बहुत ही काम के है, क्योंकि गाइस आप देख ही सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक भी डायमंड के गियर्स वगैरह नहीं है। मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे एंशिएंट डेब्रिस, मैं यहाँ पे आराम से नेदरराइट के आर्मर बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यार मुझे सबसे पहले डायमंड के आर्मर चाहिए रहेंगे। लेकिन उसके लिए भाई डायमंड की तो मुझे शॉर्टेज हो रही है। तो कोई ना गाइस डायमंड को मैंने अभी के लिए साइड पे रखा
रखा और मैं लग गया हूँ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। मेरा ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो भी एक स्पेशल एनिमल के ऊपर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट तो मैं आपको कंप्लीट करके ही दिखाने वाला हूँ। तो गाइस D62 पे मैंने जस्ट ओपन करके देखी तो मुझे उसमें से डायमंड के बूट्स मिले थे। वैसे मेरे पास ऑलरेडी नेदर के है लेकिन एक्स्ट्रा मैंने रख लिए। एनीवेज उसके सिवाय तो भाई बहुत ही टट्टी सामान था तो उनको मैंने इग्नोर किया। तो गाइस फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बनकर रेडी नहीं हुआ है। एक्चुअली अभी तो प्लेटफॉर्म बना है वो भी आधा। गाइस दिक्कत पता है क्या रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो बीच वाला प्लेटफॉर्म है उसको ना मुझे दो प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने होते हैं, जैसे कि वो जो फॉग वाला है वो और उसी के साथ हमारा जो भाई स्टोरेज एरिया वाला प्लेटफॉर्म वो। अब ये जो दोनों प्लेटफॉर्म है उससे मुझे पूरा अलाइन करके रखना होता है वरना यार पूरा इसकी जो सीमेंट्रिसिटी है वो सारी बिगड़ जाएगी। तो उसके लिए मुझे सारे एक्स वाई जेड लेवल सारे के सारे भाई पूरे कैलकुलेट करने के होते हैं और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म बनाना होता है। और आपको तो मालूम ही है कि बिल्डिंग में बहुत ही नुबड़ा हूं अभी तो इसलिए यार मुझे बहुत ही टाइम निकल जाता है और भाई बहुत ही दिक्कत होती है। पूछा किसी ने गाइस अब इस प्लेटफॉर्म को हम थोड़ा और नीचे ले जाएंगे, मेरा मतलब कि वाई लेवल इसका जो थोड़ा और नीचे रहेगा। तो उसको करने के लिए मैं पानी की मदद से नीचे जा रहा था और एक एक करके सारे ब्लैंक लगा दिए और ऐसे करके गाइस हम जो पूरा एरिया है मतलब कि जो पूरा प्लेटफॉर्म है उसको हम वाई लेवल से बहुत ही नीचे रखेंगे, फिर हमारा जो काम है आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म है उसको बहुत ही लोअर लेवल पे कर दिया है। यहाँ पे सारा जो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। और गाइस अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है डर्ट लगाने का, तो ये जो पहला लेयर है उसके ऊपर तो मैं पूरा डर्ट से कवर कर दूंगा, उसके बाद आगे का हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे रात बहुत हो चुकी है तो चलो फटाफट से सो जाते हैं और कल हम काम कंटिन्यू करेंगे। तो अगले दिन सुबह उठ के मैंने फटाफट से सारे भाई लॉट्स लगा दिए और अब फाइनली टाइम है एक फाउंटेन बनाने का जो कि यार मेरे लिए बहुत ही इजी काम है। एक्चुअली नहीं, तो इधर उधर का जुगाड़ लगा के फाइनली मैंने एक फाउंटेन बना दिया है। मुझे मालूम है कि आपको कुछ वियर्ड चीज लग रही होगी लेकिन आपको इसका इम्पोर्टेंस आगे चल के मालूम पड़ जाएगा, आगे आगे देखते रहो। तो गाइस डर्ट की मदद से मैंने एक अलग सेक्शन बना दिया और उसके अंदर पूरा पानी से फिल कर दिया और अब ये फाइनली लग रहा है कि यहां से एक नदी बह के जा रही है। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा तो आपकी आंखों का चेकअप करवाओ। तो फाइनली हमारे प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेज था जिसमें गाइस हमें बस ग्रास ब्लॉक्स लगाने थे और इसी के साथ हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत सैंड लगानी थी और फाइनली हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। तो गाइस अगर आप अभी तक गेस नहीं कर पाए कि मैं क्या बना रहा था, क्यों बना रहा था और किसके लिए बना रहा था तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गाइस ये जो जगह मैं बना रहा था वो मैं बना रहा था कछुआ भैया के लिए। तो गाइस मुझे बहुत आगे एक बार टर्टल लेक भी मिला था जिसको मैंने ऐसे इग्नोर करके रखा था लेकिन यार मुझे उसके लिए फिर बहुत ही दुख लगा क्योंकि यार मैंने मेंढक का घर बना के दिया है तो कछुआ भैया बेचारा क्यों अन्य ऐसा है, तो इसलिए भाई मैंने उसके लिए भी एक घर बना के दे दिया। तो टर्टल लेक को तो मैंने हैच होने के लिए छोड़ दिया है और अब यहाँ पे बहुत सारी रात हो चुकी है तो चलो फटाफट से सो जाते हैं और देखते हैं हमें अगली रात को क्या मिलता है। तो अगले दिन सुबह मैंने चेस्ट ओपन करके देखा तो उसमें से मुझे यहाँ पे एक नेदरराइट हेलमेट मिला था जिसको मैंने अपने पास रख लिया और बाकी का जो भी सामान था उसको मैंने दूसरे चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा चेस्ट थी वो भी फुल हो चुकी थी तो सारा सामान मैं स्टोरेज हाउस में शिफ्ट करने लगा। तो D70 पे मैंने चेस्ट ओपन करके देखी तो उसमें से मुझे थोड़े बहुत डायमंड के ऑर्स मिले थे, उसके सिवाय का सामान तो बस 30 था लेकिन जो भी हो मैंने सारे सामान कलेक्ट कर लिया। तो गाइस फाइनली मेरे पास यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड के ऑर्स भी अब आ चुके हैं लेकिन ये भी अभी मेरे लिए इनफ नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे सारा डायमंड का आर्मर सेट बनाना है और मेरे टूल्स भी डायमंड में कन्वर्ट करने हैं लेकिन उसके लिए मेरे पास डायमंड से कम बढ़ रहा है। तो एनीवेज मुझे और थोड़ा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जैसे मेरे पास इनफ डायमंड्स हो जाएंगे तो मैं एक साथ ही सारे गियर्स को डायमंड के गियर्स में कन्वर्ट कर दूंगा और उसके तुरंत बाद ही सारे गियर्स को मैं नेदरराइट में भी अपग्रेड कर दूंगा क्योंकि यार मेरे पास ऑलरेडी ढेर सारा नेदरराइट तो पड़ा ही है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी एक नेदरराइट का हेलमेट पड़ा है जिसमें अभी तक मैंने एन्चेंटमेंट नहीं लगाई तो चलो फटाफट से उस पर एन्चेंटमेंट लगाते हैं। तो लेकिन उसके लिए गाइस सबसे पहले तो मेरे पास एक्सपी नहीं है तो मैं आ गया अपने एक्सपी फार्म में एक्सपी ग्राइंड करने के लिए। ढेर सारे एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया अपने एन्चेंटमेंट सेटअप पे एन्चेंट करने के लिए। तो मैंने एक एक करके सारी बुक्स रखी और जो मुझे बेस्ट एन्चेंटमेंट मिल रही थी वो मैं लेते गया। बीच बीच में हमारी एक्सपी भी खत्म हो जा रही थी तो मैं बीच बीच में एक्सपी ग्राइंडिंग भी किया जा रहा था और फिर से आके मैं बुक्स पे एन्चेंट किया जा रहा था। तो यही प्रोसेस मैंने बार बार रिपीट करी और आखिर में मैंने ढेर सारी एंटेनमेंट वाली बुक्स कलेक्ट कर ली। इसमें से जो भी ओपी वाली बुक्स मुझे मिली है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करके मुझे कौन सी मिली है। सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेते जाऊंगा तो भाई दिन से रात हो जाएगी। तो अगले दिन मैंने चेस्ट ओपन करके देखी तो उसमें मुझे कुछ खास सामान नहीं मिला था, मुझे यहाँ पे बस थोड़े बहुत रॉकेट मिले थे और उसके साथ एंचेंटेड एप्पल्स मिले थे। लेकिन एनीवेज मुझे यहाँ पे अगले दिन एक और एंड पोर्टल का पीसेस मिल गया था तो मैं उसका रखने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी 10 एंड पोर्टल के पीसेस हो चुके हैं और अब पूरा एक एंड पोर्टल बनाने के लिए मुझे बस 2 पीसेस कम पड़ रहे हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे 2 पीसेस और मिल जाएंगे तो हम यहाँ पे एंड पोर्टल अपना बनाएंगे और उसको एक्टिव करके जाएंगे ड्रैगन को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैं अपना एंड पोर्टल बनाऊंगा कहाँ क्योंकि मेरा जो बेस है वो ऑलरेडी पूरा फुल्ड अप है अलग अलग बिल्ड से। तो मुझे लगता है कि मुझे ना इसके लिए भी एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर हम बनाएंगे अपने एंड पोर्टल के डिजाइन। चलो यार बिना कोई देरी किए फटाफट से हम लग जाते हैं काम पे।
तो गैस फाइनली हमारा एंड पोर्टल बनके रेडी हो चुका है। तो ये मतलब गैस पूरा एंड पोर्टल का प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ पे मेरे जितने भी एंड पोर्टल के पीसेस होंगे वो सारे यहाँ पे रखूंगा और अपना एंड पोर्टल एक्टिवेट करूंगा। तो वो मैंने अभी तक नहीं रखे क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल के 12 जितने पीस नहीं मिले हैं, दो की कमी है। तो वो जब मिल जाएंगे तब हम इसको लगा के एक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो पूरा बिल्ड है वो मैंने पर्पल और एंड स्टोन के मदद से बनाया है। तो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे हो चुका था डे 80 और जैसे मैंने चेस्ट ओपन करके देखा तो उसमें से मुझे मिली थी नेदरक के बूट्स। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक पहने हुए है लेकिन फुकट की चीज रखने में हमारे बाप का क्या जाता है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में बहुत ही खुजली हो रही थी तो फटाफट से मैं आ गया अपने मॉब फार्म पे खुजली मिटाने। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ढेर सारा सामान कलक हो गया था इतने दिनों का और मेरी इन्वेंटरी पूरी फक्ड अप हो चुकी थी, तो मैं लग गया इन्वेंटरी सॉर्टिंग के काम पे। तो अगले दिन मैंने चेस्ट ओपन करके देखी तो उसमें बस टट्टी सामान था, कुछ कागवा सामान था नहीं। लेकिन एनीवेज गाइस अब हम धीरे धीरे एंड के बहुत ही करीब आ रहे हैं। हमको यहाँ पे बस दो ही एंड पुल के पीसेस चाहिए और उसके बाद फाइनली हम एंड पुल बना के एंड में जाकर ड्रैगन को भी मार सकेंगे। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक हमने हमारा घर नहीं बनाया। सच बताओ तो मैंने यहाँ पे कछुए के लिए घर बना दिया है, मेंढक के लिए घर बना दिया है, अपने प्राणियों के लिए भी घर बना दिया है और इतना ही नहीं मैंने यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह के लिए भी घर बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने अपने खुद के लिए घर नहीं बनाया। तो चलो यार देरी किस बात की है, अब हम अपना फटाफट से घर भी बना लेते हैं। लेकिन यार उस पर एक दिक्कत है कि अब हमारे पास एक भी एक प्लेटफॉर्म नहीं बचा है और कोई भी जगह नहीं बची है जहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं मतलब कि जो चेस्ट वाला ये पूरा प्लेटफॉर्म है वो बेचारा ऐसा ही है लेकिन वो पूरा सर्कल में, तो हम अपने घर बना पाएंगे? क्या लगता है आपको? यार जो भी होगा देखा जाएगा, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा घर भी बनकर रेडी हो चुका है जो कि दिखने में बहुत ही मस्त और प्यारा सा है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि एक वॉच टावर है। तो गाइस इस घर को बनाने के लिए मुझे बहुत ही पापड़ बेलने पड़े क्योंकि यार ये जो पूरा प्लेटफॉर्म था पूरा सर्कल में था, तो इसलिए मुझे पूरा जो बेस था वो सर्कल में बनाना था। तो भाई बहुत दिक्कतों के बाद फाइनली ये मेरा घर बन चुका है, रेडी है। चलो यार फटाफट से मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो अंदर से तो मैंने यहाँ पे इंटीरियर का कुछ काम नहीं किया क्योंकि मैं पूरा थक गया था इसको बनाते बनाते, लेकिन मैंने जितना भी जरूरी सामान था वो सारा एक एक कॉर्नर पे रख दिया था। और गाइस फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना बीच में अपना जादू का पिटारा, ये हमारा वही पिटारा है जो हमको रोज रोज कुछ अच्छी खासी चीजें हमको देता रहता है। तो ओवरऑल ये था हमारा घर जो मैंने खुद से बनाया है और अपनी खुद की डिजाइन यूज की है। अगर आपको यह घर पसंद आया तो इस घर के लिए एक लाइक तो बनता है। तो गाइस अगले दिन मैंने चेस्ट ओपन करके देखा तो उसमें मुझे एक और एंड पोर्टल का पीस मिल गया था। तो अब मेरे पास टोटल 11 जितने एंड पोर्टल के पीसेस हो चुके थे और मुझे बस एक ही चाहिए था जो कि मुझे कभी भी मिल सकता है। तो गाइस थोड़े दिनों में कभी भी हमारे ड्रैगन के साथ फाइट हो सकती है, तो मुझे लगता है मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो प्रिपरेशन से मेरा मतलब कि मुझे यहाँ पे मेरे नेदरराइट का आर्मर वगैरह बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डायमंड के आर्मर वगैरह बनाने पड़ेंगे। चलो यार बिना कोई देरी के फटाफट से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मेरे पास जितने भी एंशिएंट डेब्रिस थे सभी को मेल्ट होने के लिए रख दिया कि मेरे पास तो इनका कुछ अलग ही खजाना था। और उसके बाद डायमंड के ब्लॉक में से मैंने डायमंड को कन्वर्ट कर दिया और मेरे पास जितने भी डायमंड के ओर्स थे उन सभी को मेल्ट होने के लिए रख दिया। तो मुझे जितने भी डायमंड मिले उनसे मैंने एक एक करके सारे टूल्स एंड आर्मर वगैरह बना लिए और फिर मैंने एक एक करके सभी को नेदरराइट के गियर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एक एक करके सारी चीजों को मैंने नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि अभी तो हम इन सभी चीजों को एंचेंट पिक करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे रात हो चुकी है, चलो फटाफट से सो जाते हैं, देखते हैं हमें अगले दिन क्या मिलता है। तो अगले दिन चेस्ट ओपन करके देखी तो उसमें मुझे गाइस एंड पोर्टल का एक और पीस मिल गया था। तो ये हमारा फाइनल पीस था क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल 12 जितने पीस मिल गए थे। तो अब हम यहाँ पे आराम से एंड पोर्टल बना के एंड में जा सकते हैं और ड्रैगन भैया की कुटाई कर सकते हैं। लेकिन यार ऐसे मजा नहीं आएगा, हम थोड़ा और ट्विस्ट करके जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मेरे पास जितने भी गियर्स हैं नेदरराइट के उन सभी ऊपर मैं ओपी वाले एंचेंटमेंट लगाऊंगा और उसके बाद ड्रैगन को जो हम पेलेंगे उसमें यार बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना कोई देरी के सबसे पहले तो मैं आ गया हूं यहां पे एक्सपी ग्राइंडिंग करने के लिए और फिर मैं एक एक करके जितने ही मुझे बुक्स पे ओपी वाले एंचेंटमेंट मिल रही थी उन सभी को लेते गया। तो गाइस फाइनली ढेर सारा ग्राइंड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। तो गाइस सबसे पहले नेदरराइट हेलमेट के ऊपर मुझे मिली है प्रोटेक्शन एंड एक्वा इन्फिनिटी, उसके बाद लेगिंग्स पे मिली है प्रोटेक्शन, बूट्स के ऊपर मिली फेदर फॉलिंग एंड फायर प्रोटेक्शन, और उसके बाद पिकेक्स पे मिली है अनब्रेकिंग एंड एफिशिएंसी, स्वॉर्ड पे शार्पनेस एंड नॉकबैक, और एक्स के ऊपर एफिशिएंसी फॉर्च्यून और अनब्रेकिंग, शॉवल पे ऊपर मिली है सिल्क टच, और इसी के साथ गाइस बोक तो भाई लेजिट वाली मिली, उसके ऊपर मुझे पावर 4 अनब्रेकिंग फ्लेम इन्फिनिटी सब कुछ मिल गया है। तो इतना पावरफुल होने के बाद कौन वेट करता है। तो चलो यार फटाफट से मैं सारे एंड पोर्टल के पीसेस भी लेके आ चुका हूं और एक एक करके सबको लगाते हैं और फिर हम हमारे पोर्टल को एक्टिव करते हैं।
तो हमारा पोर्टल भी हो चुका है बनके तैयार और हम भी है तैयार ड्रैगन को मारने के लिए। चलो यार बिना कोई तरीके फटाफट से कूदते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड में और सबसे पहले काम हमारा होता है एक एक करके सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना। तो भाई एक एक करके मैंने सभी को तोड़ दिया, तब होती है हमारे ड्रैगन पहिया से फाइनल फाइट। तो गाइस फाइनली इसी के साथ हमारा ड्रैगन भी मर चुका है और वो भी ऐसी वैसी मौत नहीं मरा है, हमने उसको बहुत ही ओपी तरीके से उड़ते उड़ते मार गिराया है। तो इस फाइट के लिए भाई फटाफट से कमेंट में जाके ओपी ओपी लिख दो। तो गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे जितनी भी एक्सपी मिली थी उन सभी को मैंने एक एक करके कलेक्ट किया जो कि यार बहुत सारी थी। और उसके बाद गाइस हम आ चुके हैं अपने घर पे वापस। और गाइस घर पे वापस आके देखा तो यहाँ पे हो चुका था ऑलरेडी डे 100। तो इसका मतलब तो ये है कि मेरा भी यहाँ पे जाने का टाइम हो चुका है। लेकिन गाइस बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी तो मेरे पास यहाँ पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि मुझे यहाँ पे करने हैं, लेकिन वो मैं ऐसे वैसे नहीं करने वाला। उसके लिए गाइस आपको करना होगा मेरा एक काम, आपको जाके इस वीडियो पे एक लाइक करना होगा। अगर गाइस इस वीडियो पे आपने 2000 लाइक कर दिए तो मैं इस वर्ल्ड में पूरे 200 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ। तो गाइस 200 लाइक्स करना मुझे मालूम है कि आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि यार इसका जो पार्ट 1 था इस वीडियो का उस पे तो आपने ऑलरेडी 1000 से भी ज्यादा लाइक्स कर दी है। तो यार देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो पे लाइक करो और भाई 200 डे का वीडियो जो आएगा उसको एंजॉय करना। अरे अरे रुको रुको कहाँ जा रहे हो भाई, चैनलों को सब्सक्राइब भी तो करते जाओ, क्योंकि 200 डेज का वीडियो आएगा तो उसको भाई कैसे देखोगे अगर सब्सक्राइब ही नहीं करोगे। तो इसलिए भाई फटाफट से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी आप अच्छे से एंजॉय कर सके। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।